हेलो नमस्कार सभी साथियों को। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को भली भांति पता है कि हमारा पॉलिटी स्पेशल, हिस्ट्री स्पेशल और ज्योग्राफी स्पेशल बैच शुरू हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? इंडियन हिस्ट्री के बारे में। पॉलिटी की एक क्लास डाल दी गई है प्यारे बच्चों एप्लीकेशन पर, और ये हिस्ट्री की पहली क्लास रहेगी जिसमें हम बेसिक कवर करेंगे, यानी कि इतिहास के बारे में बेसिक जानेंगे। इतिहास कहाँ है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और कहाँ तक हमें पढ़ना है, तो हम इतिहास के बारे में बेसिक जानेंगे। और इसी तरीके से प्यारे बच्चों, हम ज्योग्राफी के बारे में पहले सिलेबस की डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद आपको ज्योग्राफी के सभी टॉपिक्स बता करके प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी की हमें क्लासें लेना शुरू करेंगे, जिसमें ज्योग्राफी आपको करवाई जाएगी, इसके साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपको करवाई जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के बारे में, इंडियन हिस्ट्री के बारे में, जो एक महत्वपूर्ण आपका सब्जेक्ट रहता है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे लेंथी जो सब्जेक्ट होता है प्यारे बच्चों, वो कहलाता है आपका इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। अगर हम एग्जाम के ऑफ व्यू की तरफ से देखते हैं तो भी काफी इंपॉर्टेंट है, अगर फिर भी अगर हम बेसिक हमें नॉलेज होना चाहिए, जिस हिंदुस्तान के अंदर हम रह रहे हैं उसके इतिहास के बारे में तो हमें कम से कम नॉलेज होना चाहिए। तो आपको बेसिक नॉलेज प्लस प्यारे बच्चों एग्जाम के ओरिएंटेड नॉलेज आपको दिया जाएगा, ठीक है। स्पेशल बेच पढ़ करके आप किसी भी एग्जाम के अंदर बैठ जाना, आपका कोई भी क्वेश्चन है आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, कोर्स आपको पता है कि मात्र 299 रुपये के अंदर शुरू हुआ है, जो आज 10 तारीख है, 10 तारीख तक प्यारे बच्चों ये आपके लिए ऑफर रहेगा। फिर ये कोर्स रहेगा आपका 499 का, जिसके अंदर प्यारे बच्चों आपके तीन सब्जेक्ट रहेंगे मेनली, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री। इसके अलावा ज्योग्राफी का एक पार्ट रहेगा प्यारे बच्चों वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। तो चलिएगा प्यारे बच्चों, आज हम अपने सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करते हैं जिसका नाम है इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। इंडियन हिस्ट्री के बारे में प्यारे बच्चों हम बेसिक से जीरो से पढ़ेंगे, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री के बारे में हमें पढ़ेंगे, भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। चलिएगा प्यारे बच्चों, बाइलिंगुअल हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास, हिंदी में हम बात करते हैं तो अर्थ क्या रहेगा आपका, भारतीय इतिहास, यानी कि जिस हम भारत के अंदर रह रहे हैं उसका हम क्या पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पास्ट क्या होता है और इतिहास क्या होता है, इन दोनों के बीच अंतर है, डिफरेंट है प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए डिफरेंस है इन दोनों के बीच। पास्ट वो टाइम पीरियड होता है प्यारे बच्चों जिनके हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं होते, यानी कि लाखों करोड़ों साल पहले जो समय बीत चुका है वो क्या होता है आपका, पास्ट होता है। अब हम बात करते हैं कि हिस्ट्री भी बीता हुआ है, लेकिन प्यारे बच्चों बीता हुआ समय तो है, लेकिन उनमें से वो टाइम पीरियड प्यारे बच्चों जिनके हमारे पास क्या है, सोर्सेज हैं, साक्ष्य हैं, चाहे प्यारे बच्चों वो लिखित में हो या फिर वो हमारे पास प्यारे बच्चों अवशेष हो, फॉसिल्स हो, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, इतिहास होता है। यानी कि प्यारे बच्चों हिस्ट्री वो टाइम पीरियड होता है जिनके बारे में हमें डेफिनेटली पता होता है कि ये घटना जरूर घटित हुई थी। तो हमें किसके बारे में पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, भारतीय इतिहास के बारे में प्यारे बच्चों पढ़ना है। आज हमारी पहली क्लास रहेगी जिसमें हम प्यारे बच्चों बेसिक से इसको कवर करेंगे, ठीक है, और फिर धीरे धीरे तीनों पार्ट प्यारे बच्चों हम कवर करते जाएंगे, जैसे सबसे पहले प्राचीन, फिर मध्यकालीन और फिर आधुनिक। प्यारे बच्चों तीनों पार्ट आपको एक हाई क्वालिटी के साथ, हाई लेवल के साथ प्यारे बच्चों आपको पढ़ाया जाएगा। उसके अंदर हम ये चीज लेके नहीं चलेंगे कि हम एसएससी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, एसएससी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, तो प्यारे बच्चों उसमें हम आपको हर एक एग्जाम के ओरिएंटेड, चाहे वो सीजीएल तक का हो, चाहे प्यारे बच्चों कितना भी बड़ा एग्जाम हो, अगर आप एक बार ध्यान से कंप्लीट कोर्स आप पढ़ लोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों हम शुरुआत करते हैं, जो आपका प्यारे बच्चों हिस्ट्री शब्द है इसी से हम शुरुआत करेंगे। आपका जो प्यारे बच्चों हिस्ट्री है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है प्यारे बच्चों, ग्रीक भाषा का शब्द है, और ये किस शब्द से बना है ये आपको पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों एक ग्रीक भाषा का शब्द है और वो शब्द है प्यारे बच्चों आपका हिस्टोरिया। हिस्ट्री बना एक यूनानी शब्द प्यारे बच्चों, एक यूनानी शब्द है और उस शब्द का नाम क्या है, हिस्टोरिया। और प्यारे बच्चों हम बात करते हैं, बाइलिंगुअल पढ़ेंगे हिस्टोरिया, ये शब्द है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हिस्ट्री एक हिस्टोरिया शब्द से बना है, यानी कि ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, और हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है रिसर्च करना,
रिसर्च करना यानी कि प्यारे बच्चों खोज करना, छानबीन करना, जानकारी देना, इन्वेस्टिगेशन देना, ये आपका क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। प्यारे बच्चों हम गूगल पे सर्च करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, हम उस पर कुछ ना कुछ सर्च करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहां पर हम किसके बारे में सर्च करेंगे, हम करेंगे इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। तो चलिएगा प्यारे बच्चों हम बात करते हैं कि आपका हिस्ट्री शब्द के यूनानी शब्द हिस्टोरिया से बना है और हिस्टोरिया का मतलब होता है प्यारे बच्चों रिसर्च करना, खोज करना। और सबसे पहले प्यारे बच्चों खोज करके हमें जानकारी दी थी 426 बीसी के अंदर। प्यारे बच्चों एक समय था 426 बीसी, ठीक है। आपको इतिहास के अंदर दो प्रकार की डेट मिलेगी, एक बीसी मिलेगी और एक एडी मिलेगी। आपको सब कुछ प्यारे बच्चों समझाया जाएगा। तो प्यारे बच्चों 426 बीसी के अंदर एक बुक लिखी गई थी, बुक, उस बुक का नाम था हिस्टोरिका। प्यारे बच्चों बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिका। ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वहां पे उसको समझिएगा प्यारे बच्चों, यानी कि दोबारा से समझिएगा। हिस्ट्री बना एक ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से, ठीक है प्यारे बच्चों। हिस्टोरिया का मतलब होता है रिसर्च करना, और सबसे पहले रिसर्च हुई थी प्यारे बच्चों 426 बीसी के अंदर, जो हमें जानकारी मिलती है एक बुक से, और बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। और प्यारे बच्चों इस बुक को लिखा किसने था? इस बुक को लिखा था हेरोडोटस ने। किसने लिखा था प्यारे बच्चों? हेरोडोटस ने इस पुस्तक को लिखा था। कब? 426 बीसी के अंदर। तो प्यारे बच्चों हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले लिखी गई पुस्तक थी जिसका नाम है हिस्टोरिका। किसने लिखा था? हेरोडोटस ने। और प्यारे बच्चों इस बुक के अंदर, इस किताब के अंदर भारत के पश्चिमोत्तर दिशा का वर्णन है। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है भारत के पश्चिम व उत्तर दिशा का, प्यारे बच्चों इसमें वर्णन है। पश्चिम व उत्तर यानी कि पश्चिमोत्तर दिशा का वर्णन है इस किताब के अंदर। यानी कि प्यारे बच्चों बात की जाती है भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक, अरब, सीरिया, इन देशों का प्यारे बच्चों इस पुस्तक के अंदर क्या है? वर्णन मिलता है। तो प्यारे बच्चों ये पुस्तक लिखी थी हेरोडोटस ने, एक यूनानी पर्सन था, एक व्यक्ति था हेरोडोटस। इसने लिखी थी ये किताब। किसने लिखी थी हिस्टोरिका? प्यारे बच्चों हेरोडोटस ने। तो प्यारे बच्चों इसीलिए हमें हेरोडोटस को क्या बोलते हैं? इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री। प्यारे बच्चों किसको बोला जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास के पिता। किसको बोला जाता है प्यारे बच्चों? हेरोडोटस को बोला जाता है इतिहास के पिता। इतिहास के पिता प्यारे बच्चों किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। आपसे इतिहास का जनक पूछ ले हेरोडोटस रहेगा, इतिहास का प्रतिपादक प्यारे बच्चों पूछ ले तो हेरोडोटस रहेगा, और इतिहास का जनक पूछ ले प्यारे बच्चों कौन रहेगा? हेरोडोटस रहेगा, क्योंकि इसने 426 बीसी के अंदर एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम क्या है प्यारे बच्चों? हिस्टोरिका। और इस हिस्टोरिका के अंदर प्यारे बच्चों भारत एवं यूनान के इतिहास का वर्णन किया था। प्यारे बच्चों अगर आपसे डायरेक्शन पूछ ले, दिशा पूछ ले, तो भारत के पश्चिम उत्तर दिशा का वर्णन किसने किया था? हेरोडोटस ने किया था इस पुस्तक के अंदर। इसलिए प्यारे बच्चों हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। आई होप आपको यहां तक सब कुछ समझ आया होगा। अब एक क्वेश्चन ये उठेगा, हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठेगा कि हमें कितने सालों का इतिहास कवर करना है। इतिहास तो हम पढ़ने चल चुके हैं, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए हमें इतिहास के बारे में कितने सालों का नॉलेज लेना है, ज्ञान लेना है, ज्ञान प्राप्त करना है। तो प्यारे बच्चों जैसे कि आप सभी को पता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, 2500 बीसी में उसकी शुरुआत हुई थी। और प्यारे बच्चों वर्तमान में हम बात करते हैं 2021वां साल चल रहा है, यानी कि 2021 एडी रहेगा। तो प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं हम इसको टोटल करते हैं तो आपका लगभग आएगा 4521 साल का इतिहास, यानी कि प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे 4521 साल का इतिहास हमें पढ़ना होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इससे पहले क्या घटनाएं हुआ करती थी, हमें कुछ नहीं लेना, एग्जाम के ओरिएंटेड हम पढ़ेंगे लगभग 4521 साल का इतिहास। तो इतना प्यारे बच्चों हमें इतिहास के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं, आपको सबसे ज्यादा देखने के लिए प्यारे बच्चों डेट मिलेंगी हिस्ट्री के अंदर, यानी कि डेट्स आपको सबसे ज्यादा मिलेंगी, यानी कि दिनांक आपको सबसे ज्यादा मिलेंगी। सबसे पहले प्यारे बच्चों एक डेट होगी जो लिखा होगा बीसी, दूसरी प्यारे बच्चों डेट मिलेगी आपको जिसका नाम होगा एडी। अब बीसी और एडी के अंदर अंतर क्या है, सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि बीसी क्या है और एडी क्या है। तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं, जैसे वर्तमान में हम बात करेंगे 2021वां साल चल रहा है,
इसके बाद 22 आएगा, 23, 24, 25 चलता रहेगा, और प्यारे बच्चों किसी को नहीं पता कि कहां तक चलेगा, इनफिनिटी टाइम तक ये डेट्स आगे बढ़ती रहेगी। तो प्यारे बच्चों ये शुरुआत कहां से हुई थी, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए शुरुआत कहां से हुई थी और आज 2021 के अंदर हम पहुंच चुके हैं। तो एकदम से तो ये नहीं आया होगा, तो 2020 आया होगा पहले। इसके और बैक चले प्यारे बच्चों 19, 18, 17 चलते चलते कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों 1600 आया है, और बैक चले हम 1200, और बैक चले प्यारे बच्चों हम 800 आया है, इसके भी बैक चलते हम 400, इसके अलावा प्यारे बच्चों और बैक चले हम 200 आया है, फिर कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों 100, और कहीं ना कहीं 10, और ऐसे ऐसे करते हुए प्यारे बच्चों 0 आया है, यानी कि 1 भी आया है और 0 भी आया है। एकदम से तो इसकी शुरुआत नहीं हुई, यानी कि 1 से शुरुआत हुई थी, 1 से 2, 5, 50, 100, 200, 400, 800, 1200, 1600, आज 2020 और वर्तमान में 2021, आगे 22, 23, 24, 25, 26 चलता रहेगा। तो प्यारे बच्चों इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं कहां से हुई है, 0 से हुई है, 1 से हुई है। ये सारी डेट हमारी क्या कहलाएंगी, एडी कहलाएंगी। इसको एडी हम क्यों बोलेंगे मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले हम प्यारे बच्चों बात करते हैं, जैसा कि मैंने बात किया है, डिस्कस किया आपसे, इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता जो 2500 BC में पनपी थी, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों इसकी शुरुआत भी कब हुई थी, 2500 BC में, तो ये डेट भी एकदम से तो नहीं आई होगी, ठीक है, ये डेट भी एकदम से तो नहीं आई। कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों हम बैक चलेंगे तो 1500 होगा, 1500 BC, फिर 1000 BC, इसके बाद प्यारे बच्चों 500 BC, और कहीं ना कहीं बैक चलते हुए 100 BC आएगा, और फिर प्यारे बच्चों 1 भी आएगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये डेट्स टकराएंगी। तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या हुआ था, 1 ईस्वी के अंदर जिसको 0 भी माना जाता है, 1 भी माना जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्यारे बच्चों यहां पर जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह का प्यारे बच्चों यहां पर क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ईसा मसीह का प्यारे बच्चों जन्म हुआ था, ये बर्थ डेट है प्यारे बच्चों किसकी, ईसा मसीह की, ठीक है प्यारे बच्चों, ये बर्थ की डेट किसकी है, ईसा मसीह की है प्यारे बच्चों। तो सुनिएगा कहानी यहीं से पलटी थी सब प्यारे बच्चों, ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो सारी डेट होंगी उनको हम बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं, आपको भली भांति पता है, एक के बाद 2, फिर 50, 100 और 200, 400, 600, 800 प्यारे बच्चों जितने भी हैं, 1200, 1600, इनको हम किस में इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में हम इंक्रीज कर रहे हैं, और ये प्यारे बच्चों आपकी क्या कहलाएगी, एडी कहलाएगी। और एडी की प्यारे बच्चों आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर, प्यारे बच्चों एडी की फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है एनो डोमिनी प्यारे बच्चों, फुल फॉर्म होती है किसकी, एडी की। और हिंदी के अंदर प्यारे बच्चों हम बात करेंगे, ये रहेगा आपका ईसवी सन, इसको हम क्या बोलेंगे, ईसवी सन। एग्जाम्पल हम लेते हैं प्यारे बच्चों, जैसे आप सभी का जन्म 1997-98 2000-2001 में हुआ था, इसीलिए प्यारे बच्चों आपको, आप कभी ये नहीं कहते कि मेरा जन्म 2001 बीसी में हुआ था, क्यों नहीं कहते, ना आप ये कहते कि मेरा जन्म 2001 एडी में हुआ था, क्यों नहीं कहते प्यारे बच्चों, क्योंकि सभी को पता है कि ईसा मसीह के लगभग 2000 साल बाद यह घटना हुई थी, जो क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों, वो कहलाएगी आपकी ईसवी सन। इसीलिए प्यारे बच्चों आप अपनी डेट के आगे एडी नहीं लगाते, ठीक है। इसी तरह से पीछे चलते हैं प्यारे बच्चों, जैसे हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता चली थी 2500 से लेकर के 1750 BC तक, ये क्या है प्यारे बच्चों, हम माइनस करते हुए आ रहे हैं, घटते हुए क्रम में प्यारे बच्चों हमें आ रहे हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका बीसी। और प्यारे बच्चों बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर, प्यारे बच्चों बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, बिफोर होता है से पहले, किससे पहले प्यारे बच्चों, क्राइस्ट से, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो डेट होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, बीसी कहलाएगी, बिफोर क्राइस्ट ये प्यारे बच्चों आपकी कहलाएगी, ठीक है। तो आई होप प्यारे बच्चों बीसी को हम हिंदी के अंदर क्या लिखेंगे, ईसा पूर्व, यानी कि वही ईसा है प्यारे बच्चों, यही ईसा है, यही जीसस क्राइस्ट है, इससे पूर्व यानी कि पहले, इसके जन्म से पहले की जो घटना होगी प्यारे बच्चों वो क्या कहलाएगी आपकी, बीसी कहलाएगी।
तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो डेट होती है उसको हम बोलते हैं बीसी बिफोर क्राइस्ट, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो प्यारे बच्चों डेट होती है उसको हम बोलते हैं एडी एनो डोमिनी। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। तो प्यारे बच्चों एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कब प्यारे बच्चों, 563 बीसी के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अब ईसा मसीह को जन्म लेने में कितने साल बाकी हैं, 563 साल बाकी, और किसका जन्म हो चुका है, गौतम बुद्ध का जन्म हो चुका है। एक एग्जांपल और लेते हैं प्यारे बच्चों, गौतम बुद्ध की मृत्यु से लेते हैं, कब हुई थी, 483 बीसी के अंदर मृत्यु हुई थी। इसका मतलब क्या हुआ, हम घटते हुए क्रम में आ रहे हैं, घटा रहे हैं, यानी कि अब 483 साल बाकी थे ईसा मसीह को जन्म लेने में। एक एग्जांपल और लेते हैं प्यारे बच्चों, सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था 326 बीसी में। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ईसा मसीह को जन्म लेने में कितने साल बाकी हैं, 326 साल बाकी हैं। एक निकट का उदाहरण ले लेते हैं प्यारे बच्चों, 14 बीसी, यानी कि अब मात्र 14 वर्ष बचे हैं ईसा मसीह को जन्म लेने में, और यहां पर घटना क्या हुई थी, दशराग्य युद्ध लड़ा गया था प्यारे बच्चों, यानी कि यह घटना लगभग यहीं पर हुई थी, क्योंकि अब इसके बाद तो 14 वर्ष बाद किसका जन्म हो जाएगा, ईसा मसीह का, और इसके जन्म के बाद सारी डेट आपकी क्या कहलाएंगी प्यारे बच्चों, ईसवी सन कहलाएंगे। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको यह पता चला होगा कि बीसी क्या होता है और एडी क्या होता है। जिसका बेस क्लियर होगा वो प्यारे बच्चों बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है, जिसका बेस भी क्लियर नहीं होगा प्यारे बच्चों वो आगे नहीं बढ़ सकता। सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप जीरो से पढ़ोगे तो प्यारे बच्चों आप बहुत आगे जाओगे। अगर आप ज्यादा ये कहोगे कि हम एमसीक्यू से काम चला लेंगे या फिर थोड़ा पढ़ के हम काम चला लेंगे, आजकल ऐसा एग्जाम के अंदर है प्यारे बच्चों, आपको पता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, बहुत ही डीप क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछे जाते हैं जो घुमा फिरा दिए जाते हैं, ठीक है। अगर आपकी थ्योरी क्लियर होगी, आपका बेस क्लियर होगा, तो आप भली भांति वहां पर मार नहीं खाओगे, चोट नहीं खाओगे एग्जाम के अंदर। चलिएगा प्यारे बच्चों, ये था थोड़ा सा बेसिक इतिहास के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके आगे हमें क्या क्या पढ़ना है। और आपको थोड़ा स्क्रीन ब्लैक दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों, दो चार दिन के अंदर इसकी सेटिंग हो जाएगी, ठीक है, फिर प्यारे बच्चों आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये नहीं रहेगी, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और प्यारे बच्चों इंडियन हिस्ट्री एक बार आप पढ़ लेना, पॉलिटी एक बार पढ़ लेना, ज्योग्राफी एक बार पढ़ लेना, बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, किसी भी एग्जाम के अंदर आप चले जाना, ठीक है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, पीडीएफ आपको देंगे, जैसा कि आपको जैसा बोर्ड पर आपको लिखवाया जाता है वैसी आपको पीडीएफ मिलेगी। टेस्ट सीरीज रहेगी आपकी, डाउट सेशन लिए जाएंगे आपको, आपके लिए, ठीक है, स्पेशल डे रखा जाएगा, एमसीक्यू रहेंगे, जैसा आज हमने एक टॉपिक कर लिया, दो टॉपिक हुए, सीधा हम एमसीक्यू करेंगे, 150 क्वेश्चन करेंगे, आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है, कितना हमने करवाया है, उनमें से आपके क्वेश्चन बने हैं। तो एक एक छोटी से छोटी चीजें आपको कवर करवाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सुनिएगा, अब हम बात करेंगे कि भारतीय इतिहास के अंदर तीन पार्ट सबसे मेजर है हमारे पास, तीन पार्ट। सबसे पहला हम बात करेंगे एंशियंट इंडिया, एंशियंट इंडिया यानी कि हम बात करेंगे प्राचीन भारत के बारे में, ठीक है, प्राचीन भारत के बारे में हमें पढ़ेंगे, एंशियंट इंडिया प्राचीन भारत, जिसका टाइम पीरियड प्यारे बच्चों रहेगा आपका 2500 BC से लेकर के प्यारे बच्चों 712 AD तक, यानी कि इस पार्ट के अंदर आपको दोनों डेट देखने को मिलेगी। एंशियंट इंडिया प्राचीन भारत के अंदर 2500 BC से लेकर के 712 तक जब हम पढ़ेंगे आपको दोनों डेट मिलेगी, यानी कि बीसी के अंदर बिफोर क्राइस्ट भी आपको देखने को मिलेगा और एडी एनो डोमिनी भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ईसा पूर्व ईस्वी सन के बारे में हमें पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट प्यारे बच्चों आप सभी को भली भांति पता है, हम पढ़ेंगे मेडाइवल इंडिया, मेडाइवल इंडिया यानी कि हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। सेकंड हमारा रहेगा प्यारे बच्चों मध्य
कालीन भारत, यानी कि ये रहेगा बीच का पार्ट। ये तीन पार्ट क्यों किए थे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों इसकी शुरुआत हुई थी, जैसे ये खत्म होगा तो इसकी शुरुआत होगी 712 से लेकर के प्यारे बच्चों इसको हम पढ़ेंगे 1707 तक, ठीक है। क्योंकि प्यारे बच्चों अब एडी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो सारी डेट रहेंगी अब ईसवी सन के अंदर रहेंगी, ईसवी सन के अंदर प्यारे बच्चों ये चलेंगी। तो कुछ किताबें आपको 1857 तक बताएंगी, कुछ किताबें आपको 1757 तक दिखाएंगी, और मैं आपको पढ़ा रहा हूं 1707 तक। इसमें अंतर क्या है? इसमें प्यारे बच्चों अंतर कुछ नहीं है, क्योंकि 3 मार्च 1707 को औरंगजेब आलमगीर की मृत्यु होती है, और प्यारे बच्चों इसके बाद डाउनफॉल ऑफ मुगल, मुगलों का पतन शुरू हो जाता है, तो हमारा यहीं पर मध्यकालीन भारत फिनिश हो जाता है। अब आप कहोगे कि 1757 फिर किताबें क्यों दिखाती है, इसके पीछे प्यारे बच्चों रीजन है, क्योंकि 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, और प्लासी का युद्ध प्यारे बच्चों अंग्रेज जीत लेते हैं, फिर अंग्रेजों ने शासन करना शुरू किया था, ऐसा कुछ किताबें आपको बताती है। फिर आप कहोगे फिर 1857 हम क्यों पढ़ते हैं, 1857 प्यारे बच्चों इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारा जो मुगल बादशाह अंतिम था बहादुर शाह जफर, उसने 1857 की क्रांति के अंदर नेतृत्व किया था, इसलिए कुछ किताबें आपको 1857 तक आपको मध्यकालीन भारत पढ़ाती है, रिवोल्ट ऑफ 1850 तक ये मध्यकालीन आपका चलता है ऐसा बताते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों आपको पढ़ना है कहां तक, 1707 तक। इसके बाद थर्ड पार्ट रहेगा प्यारे बच्चों आपका, जिसका नाम रहेगा मॉडर्न इंडिया, यानी कि मॉडर्न का जमाना आ चुका है, मॉडर्न इंडिया। इसमें हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत। प्यारे बच्चों इसमें हम क्या पढ़ेंगे, आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वर्तमान भारत के बारे में पढ़ेंगे। और इसकी शुरुआत कब होगी प्यारे बच्चों, 1707 से लेकर के इसको हम पढ़ेंगे 1947 तक। जब देश आजाद होता है तो आजादी तक की लड़ाई हम किसमें कवर करेंगे प्यारे बच्चों, मॉडर्न इंडिया के अंदर हम कवर करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो प्राचीन भारत था यहां पर हिंदुओं ने शासन किया था। किसने शासन किया था प्यारे बच्चों, हिंदुओं ने मध्यकालीन भारत के अंदर प्यारे बच्चों शासन किया था, मुस्लिम रिलीजियस ने प्यारे बच्चों, यानी कि मुस्लिम धर्म ने यहां पर रूल किया था। और प्यारे बच्चों मॉडर्न इंडिया के अंदर अंग्रेज यानी कि ब्रिटिशर्स, प्यारे बच्चों किसने रूल किया था, ब्रिटिशर्स ने यहां पर रूल किया था, अंग्रेजों ने यहां पर शासन किया था, ठीक है। प्यारे बच्चों ये तीन पार्ट हैं, आप सभी को भली भांति पता है, लेकिन ये तीन पार्ट ही हम क्यों करते हैं, पांच पार्ट क्यों नहीं किए, एक पार्ट के अंदर हमने भारतीय इतिहास को क्यों नहीं पढ़ा, क्या रीजन रहा है कि हमें तीन पार्ट करने पड़े, और हमें तीन ही पार्ट क्यों करने पड़े, इसके पीछे लॉजिक है मैं आपको बताऊंगा प्यारे बच्चों। सबसे बड़ा लॉजिक तो यह है कि तीन धर्मों ने अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्यारे बच्चों टाइम पीरियड के अंदर यहां पर शासन किया था। दूसरी बात यह प्यारे बच्चों, क्योंकि प्राचीन भारत के अंदर सबसे प्राचीनतम भाषा थी संस्कृत, संस्कृत भाषा यहां पर चलती थी। आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है, संस्कृत है, जो हिंदू लोग यूज करते थे, तो कौन सी होगी सबसे प्राचीनतम भाषा, संस्कृत। अब हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत के अंदर सबसे पहले अरबों का आक्रमण होता है तो अरबी भाषा आती है भारत के अंदर, अरबी भाषा। फिर प्यारे बच्चों फारसी भाषा, जैसे तुर्क आए फारसी भाषा आई, तुर्की भाषा आई, तो भाषा भी चेंज। तीसरे नंबर पर हम चर्चा करते हैं कि अंग्रेजों ने शासन किया यहां पर एक नई भाषा लेकर के आए जिसका नाम है अंग्रेजी भाषा, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज। तो तीनों पार्टों के अंदर अलग अलग भाषाएं थी, एक तो यह रीजन है। दूसरा रीजन यह है यहां पर राजाओं के जो रूल करने के तरीके थे, शासन करने के तरीके थे, वो भी चेंज हुए। चेंज कैसे हुए, क्योंकि प्राचीन भारत के अंदर यहां पर बनते थे राजा महाराजा, सेनापतियों के बड़े बड़े नाम होते थे महाराजा धीराज, यहां पर क्या बनते थे, राजा महाराजा बनते थे। लेकिन मुसलमान जैसे भारत के अंदर आए, इन्होंने रूल शुरू किया, ये बनने लगे सुल्तान और बादशाह, शासन करने का तरीका बदला। अंग्रेज जब हिंदुस्तान के अंदर आए तो ये तो ना तो बादशाह बनते थे, ना राजा बनते थे, ना सुल्तान बनते थे, इन्होंने अपना तरीका चेंज किया। वो तरीका कौन सा था, गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय बनने लगे। तरीका भी चेंज हुआ है, भाषा भी चेंज हुई है, धर्म भी चेंज हुआ है। तो आई होप आपको समझ आई होगी ये बातें कि अलग अलग समय में अलग अलग धर्मों ने रूल किया, अलग अलग भाषा के अकॉर्डिंग रूल किया है, इसलिए हम तीन पार्ट करते हैं।
चौथा सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है कि हमने आसान बनाने के लिए भारतीय इतिहास को तीन भागों में तोड़ा है, क्योंकि जब हम 10th 12th में पढ़ते थे एक बहुत बड़ी गाइड आया करती थी अम्बिडी जिसको बोलते थे, हमारे टीचर्स क्या करवाते थे, ये बोलते थे कि इस गाइड के अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पार्ट कर दिए जाए ताकि बच्चों के दिमाग पे यह प्रेशर नहीं पड़ेगा कि इतनी बड़ी सारी किताब है इसको हम कैसे याद करेंगे, तो उसको टुकड़ों में बांट दिया जाता था ताकि आसानी से याद होगी। इसलिए प्यारे बच्चों सबसे बड़ा कारण यह था आसान करने का कि टुकड़ों में बांटा, और टुकड़ों में बांटने का कारण यह था कि अलग अलग भाषाओं ने अलग अलग धर्मों ने सभी राजा महाराजाओं का तरीका बदला। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं कि ये तीन पार्ट कहां से निकले थे, कैसे निकले थे। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, एक बुक का नाम आता है, किताब का नाम आता है, बुक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, यानी कि प्यारे बच्चों बुक का नाम रहेगा ब्रिटिश भारत का इतिहास, ब्रिटिश भारत का इतिहास, यह किताब रहेगी प्यारे बच्चों। जहां पर किताब का नाम आए राइटर का नाम जरूर पता होना चाहिए आपको। तो प्यारे बच्चों एक अंग्रेज था जिसका नाम था जेम्स मिल, जेम्स मिल ने यह किताब लिखी, और प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए 1817 के अंदर यह किताब लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1817 के अंदर। किसने लिखी थी? जेम्स मिल ने यह किताब लिखी थी, याद रखना आपको। और जेम्स मिल ने तीन पार्ट हमें नहीं दिए थे, जेम्स मिल ने प्यारे बच्चों ये तीन पार्ट हमें नहीं दिए, जेम्स मिल के तीन अन्य और पार्ट थे, वो क्या थे? तो प्यारे बच्चों पहला पार्ट था हिंदू एम्पायर, हिंदू एम्पायर, ठीक है प्यारे बच्चों, हिंदू एम्पायर यानी कि हिंदू साम्राज्य। दूसरा प्यारे बच्चों इसने डिवाइड किया हिंदुस्तान के इतिहास को मुस्लिम एम्पायर, यानी कि मुस्लिम एम्पायर, मुस्लिम साम्राज्य। तीसरा प्यारे बच्चों इसने एक पार्ट किया ब्रिटिश एम्पायर, अंग्रेज साम्राज्य। जेम्स मिल का मानना था कि यहां पर अलग अलग धर्मों ने शासन किया है, सही बात थी, लेकिन इसने नाम क्या दे दिए? हिंदू मुस्लिम अंग्रेज। यह बात प्यारे बच्चों इतिहासकारों ने मानी कि जेम्स मिल की बात सही है, यहां पर तीन धर्मों ने रूल किए हैं, हिंदू पहले हिंदू आए फिर मुसलमान आए फिर अंग्रेज आए, लेकिन हमारा संविधान यह बात नहीं मानता कि भारतीय इतिहास एवं भारतीय लोगों को धर्म के आधार पर बांटा जाए, यह हमारा संविधान नहीं कहता। संविधान क्या कहता है? सभी भारत के नागरिक चाहे वो महिला हो पुरुष हो कोई भी हो किसी भी जाति से हो वो सब समान है, सभी के लिए समान कानून है, सभी को एक माना जाना चाहिए, धर्म के आधार पर दंगे नहीं होने चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। हां जेम्स मिल की यह बात सही थी कि अलग अलग टाइम के अंदर अलग अलग धर्मों ने शासन किए, लेकिन डिटो नाम हम दे नहीं सकते क्योंकि इसने हिंदू मुस्लिम अंग्रेज नाम दिए, धार्मिक नाम दिए, डिट्टो हम नाम दे नहीं सकते। तो प्यारे बच्चों फिर कहानी क्या होती है? एक टीम तैयार होती है प्यारे बच्चों, एक टीम बनती है, टीम का नाम था एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये एक टीम बनी थी प्यारे बच्चों कब? 1861 के अंदर, भारतीय प्यारे बच्चों सर्वेक्षण विभाग जिसको प्यारे बच्चों बोला जाता है भारतीय पुरातात्विक विभाग, ठीक है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है प्यारे बच्चों इसको बोला जाता है, सर्वेक्षण विभाग ये नाम रहेगा हिंदी के अंदर,
सीधा नाम आपसे यह भी दिया जाएगा, भारतीय पुरातात्विक विभाग, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये टीम बनके तैयार हुई थी 1861 के अंदर। इस टीम ने जेम्स मिल की इस किताब को उठाया, कहा बात तो ठीक है जेम्स मिल की, लेकिन रिटर्न नाम हम नहीं दे सकते क्योंकि यहां पर क्या होंगे, दंगे हो सकते हैं धर्म के आधार पर। तो प्यारे बच्चों इस टीम ने क्या काम किया, इस टीम ने काम किया प्यारे बच्चों कि हम ये बात बोलेंगे कि एक प्राचीन भारत था जिसका टाइम पीरियड यह था और यहां पर हिंदुओं ने शासन किया था, फिर एक पर्टिकुलर टाइम आया जिसका नाम था मध्यकालीन भारत, फिर यहां पर मुसलमानों ने रूल किया, फिर एक आधुनिक भारत का समय आया, आधुनिक इंडिया प्यारे बच्चों, एक मॉडर्न टाइम आया, फिर यहां पर अंग्रेजों ने शासन किया। फिर इस टीम ने यह फैसला लिया कि हम ये तीन भागों में डिवाइड करेंगे भारतीय इतिहास को, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों जो टीम बनी थी 1861 के अंदर, इसका पहला अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन था प्यारे बच्चों? फर्स्ट बात कर ले हम अध्यक्ष की, हम बात कर ले उपाध्यक्ष की। फर्स्ट अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन था प्यारे बच्चों? उसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, एक अंग्रेज था अलेक्जेंडर कनिंघम प्यारे बच्चों। ये किस समय की बात है? ये बात है प्यारे बच्चों 1861 की, यानी कि ये बात की जा रही है 1861 की। तो ये 1861 के अंदर बनी थी टीम, क्या ये वर्तमान तक काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है प्यारे बच्चों। हम बात करते हैं वर्तमान 2021 चल रहा है, 2021 चल रहा है, वर्तमान में एएसआई के अध्यक्ष कौन है? एएसआई के अध्यक्ष हैं प्यारे बच्चों वी विद्यावती, याद रखना आपको वी प्यारे बच्चों विद्यावती वर्तमान में एएसआई के अध्यक्ष हैं 2021 के अंदर। ये बने कब थे प्यारे बच्चों? 2020 मई के अंदर बने थे वी विद्यावती जी, ठीक है। आपको यहां पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, आपको सुनाई तो दे रहा हो प्यारे बच्चों, वी विद्यावती जी 2021 के अंदर इसी एएसआई के अध्यक्ष हैं। इससे पहले सी बाबू राजीव हुआ करते थे, आपको याद नहीं करना। क्यों नहीं करना? आपसे या तो फर्स्ट पूछा जाएगा या 8% के अंदर पूछा जाएगा, ठीक है, और बीच में जरूरत पड़ेगी जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताता चला जाऊंगा। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर शुरुआत हुई थी, खोज की सफल खोज हुई थी 1921 के अंदर, हड़प्पा खोजा गया था राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा, उस समय एएसआई के अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल, उसकी निगरानी में खोज हुई थी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो वो आपको बता दिए जाएंगे, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहां से ये तीन पार्ट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों हम बात करते हैं, अब एक एक पार्ट हम उठाते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि स्रोत क्या है हमारे पास इतिहास के। सबसे पहले हम बात करेंगे स्रोत के बारे में, धार्मिक स्रोत कैसे हैं, कौन से हैं, गैर धार्मिक स्रोत कौन से हैं, विदेश से मिले हुए हमारे पास सोर्सेज कौन से हैं, अभिलेख कौन से हैं, पुस्तकें कौन सी हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कि भारतीय इतिहास में यह घटना घटी थी, रियल में घटी थी। तो इनके बारे में प्यारे बच्चों हम जानेंगे अब सोर्सेज, और फिर एक एक पार्ट को हम प्यारे बच्चों उठा करके पढ़ते चले जाएंगे। आपको रटवाया नहीं जाएगा प्यारे बच्चों, आपको समझाया जाएगा, ठीक है। कहानियों पर हम पढ़ेंगे इतिहास को, एक एक चीजें एक एक फैक्ट्स आपको बताएंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। जो नए बच्चे इस वीडियो को देखेंगे तो प्यारे बच्चों स्टार आईक्यू एजुकेशन एप्लीकेशन है, वहां पर जाकर के आप कोर्स ले सकते हैं, कोर्स लॉन्च हो चुका है। अब मात्र 299 के अंदर आपको तीन सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं, जिसमें विद आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी दी जा रही है, और अब ये रेट प्यारे बच्चों आपको 2-3 दिन के लिए ये रहेगा, फिर ये रेट बढ़कर के कितना होगा प्यारे बच्चों? ये होगा 499 रुपए। चलेगा प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं स्रोत के बारे में, अवशेषों के बारे में प्यारे बच्चों हम बात करेंगे, सोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे, स्रोत। तो क्या क्या हमारे पास स्रोत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे अवशेष, हमें बहुत सारे अवशेष मिले हैं जिससे हम क्या अंदाजा लगाते हैं कि यहां पर यह घटनाएं डेफिनेटली हुई थी, तभी हमें यह सोर्सेज देखने को मिलते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों अभिलेख,
इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख हमें मिले हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों सिक्के कॉइन्स, जिनसे हम क्या अंदाजा लगाते हैं कि ये घटनाएं डेफिनेटली हुई थी। इसके अलावा प्यारे बच्चों मूर्तियां स्टैचू, ये हमारे क्या है प्यारे बच्चों, ये वो सोर्सेज हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि घटनाएं डेफिनेटली हुई थी। अवशेष हमें मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से। हम क्या अंदाजा लगाते हैं कि ये वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता, ये डेफिनेटली यहां पर ये घटित हुई थी। राजा महाराजाओं ने अभिलेख लिखवाए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, उस समय राजा महाराजा होते थे तभी उन्होंने क्या करवाया है, अभिलेख लिखवाए हैं। सिक्के जारी किए उन राजा महाराजाओं ने, उन्होंने मूर्तियां शुरू की है, इसका मतलब क्या हुआ, ये घटनाएं क्या है, डेफिनेटली हुई है। ये हमारे क्या है, साक्ष्य है। इसके अलावा हम प्यारे बच्चों बात करते हैं, एक अभिलेख उठा लेते हैं, विश्व का सबसे पुराना अभिलेख उठा लेते हैं प्यारे बच्चों, विश्व का सबसे पुराना अभिलेख। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। विश्व का सबसे पुराना अभिलेख जिसका नाम रहेगा प्यारे बच्चों बोगजकोई का अभिलेख, बोगजकोई का अभिलेख कब लिखा गया था प्यारे बच्चों, 1400 बीसी के अंदर इसको लिखा गया था। विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख आपसे पूछ ले, बोगजकोई का अभिलेख प्यारे बच्चों कब लिखा गया था, 1400 बीसी के अंदर। यहां पर क्या चल रहा था इस समय, वैदिक सिविलाइजेशन थी जिसमें हम प्यारे बच्चों ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे थे, क्योंकि वैदिक सभ्यता हमारी पनपती है 1500 से लेकर के 600 बीसी तक, जिसको हम दो पार्टों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला पार्ट रहेगा आपका ऋग वैदिक काल, जिसमें हम एक वेद के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है ऋग्वेद। सेकेंड पार्ट हम पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल, जिसमें बचे हुए तीन पार्टों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, सॉरी तीन वेदों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो जो आपका ऋग्वेदिक काल होगा उसका टाइम पीरियड होता है 1500 से लेकर के 1000 BC तक, और इसी के बीच आपका बोगजकोई का अभिलेख लिखा गया था। तो यह विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है, आपको याद रखना है। इसके अलावा प्यारे बच्चों हम बात करते हैं इस अभिलेख की लिपि क्या है, स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो खरोष्टी लिपि रहेगी प्यारे बच्चों। कौन सी, खरोष्टी लिपि। आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों लिपियां तीन प्रकार की हैं, लेकिन बोगजकोई के अभिलेख के अंदर जो लिपि थी प्यारे बच्चों उसका नाम क्या था, खरोष्टी लिपि। इसकी शुरुआत कैसे होती थी प्यारे बच्चों, इसकी शुरुआत हम करते थे इस तरीके से, ठीक है प्यारे बच्चों, इसको उल्टा शुरू करते थे, ठीक है, जैसे हम लिखना यहां से शुरू करते हैं उस साइड जाते हैं, लेकिन इस लिपि के अंदर क्या होता था प्यारे बच्चों, यहां से हम लिखना शुरू करते थे और एक असनुमा आकृति बनाते हुए चलते थे। ये आपकी क्या होती है, खरोष्टी लिपि होती है, ठीक है, आई हो आपको समझ आया होगा। इसके बाद प्यारे बच्चों हम और सोर्सेज के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास और क्या स्रोत हैं, और क्या क्या हमें सोर्सेज देखने को मिलते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। हम धार्मिक स्रोत उठा लेते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले धार्मिक स्रोतों के बारे में हम बात करते हैं। धार्मिक स्रोत ये क्या क्या होंगे हमारे पास, आपको पता होना चाहिए। रामायण, महाभारत, इसके अलावा प्यारे बच्चों हमारे पास चार वेद हैं। कितने वेद हैं, चार वेद हैं। कौन कौन से, सबसे पहला ऋग्वेद, दूसरा आपका रहेगा सामवेद, तीसरा आपका रहेगा प्यारे बच्चों यजुर्वेद, चौथा आपका रहेगा अथर्ववेद, अथर्ववेद। तो ये चार हमारे पास वेद हैं,
रामायण महाभारत और चारों वेद ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद ये हमारे क्या हैं? ये हमारे धार्मिक सोर्सेज हैं, हमारे पास धार्मिक स्रोत है कि ये घटना यहां पर डेफिनेटली हुई थी, तभी ये हमें रामायण के बारे में पढ़ते हैं, महाभारत के बारे में पढ़ते हैं, हुई थी तभी हम पढ़ते हैं, चार वेद होते थे तभी हम पढ़ते हैं, सबसे प्राचीनतम था वेद जिसका नाम है ऋग्वेद, जिसके अंदर 10 मंडल होते हैं और 10,600 आपको श्लोक देखने को मिलेंगे। सामवेद आपके गीत से संगीत से रिलेटेड आपका वेद रहेगा। 7 सुर स्वर जो आपको मिलते हैं इसी वेद के अंदर संकलित है। यजुर्वेद के बारे में हम बात करते हैं, यज्ञ के बारे में, गद्य और पद्य जो दोनों भाषाओं के अंदर संकलित था यजुर्वेद था। अथर्व वेद सबसे नवीन वेद है, सबसे नया वेद है, जिसके अंदर वशीकरण जादू टोना और टूना टपूना जिसको कहा जाता है वो सारी किसके अंदर संकलित है? कर्मकांड सारे अथर्व वेद के अंदर है। तो ये हमारे पास क्या है? धार्मिक स्रोत है कि घटनाएं डेफिनेटली हुई थी। अब हम बात करते हैं कि गैर धार्मिक स्रोत फिर कौन कौन से होंगे। ये तो धार्मिक थे, गैर धार्मिक के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले बच्चों गैर धार्मिक के अंदर हम बात करेंगे चाणक्य के अर्थशास्त्र, चाणक्य की एक पुस्तक हुआ करती थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, जिसकी विषय वस्तु होती थी शासन कैसे किया जाए, रूल कैसे किया जाए। आप भली भांति जानते हैं चाणक्य, वही चाणक्य जिसके दो नाम अन्य थे, कौटिल्य विष्णुगुप्त, जिसी की सहायता से प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को डिफीटेड करके हरा करके एक मौर्य वंश की नींव रखी थी, और उसी चाणक्य ने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। इसके अलावा मेगस्थनीज, मेगस्थनीज की बुक थी इंडिका, मेगस्थनीज की पुस्तक कौन सी थी? इंडिका। यह भी हमारा क्या है? गैर धार्मिक स्रोत है हमारे पास। इसके अलावा हम बात करते हैं पतंजलि का महाभाष्य, एक एग्जांपल और लेते हैं, पतंजलि का महाभाष्य ये हमारे पास क्या? और बहुत सोर्सेज हैं, ये किताबें सीधी एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती हैं, बहुत सारे स्रोत हैं। जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इस पार्ट के बारे में पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। तो ये हमारे के थे क्या थे प्यारे बच्चों? गैर धार्मिक स्रोत थे, नॉन रिलीजियस सोर्सेज। ये हमारे क्या थे? रिलीजियस सोर्सेज। ये हमारे क्या थे? ये सोर्सेज थे जैसे फॉसिल्स, इंस्क्रिप्शन, काइंस, मूर्तियां, द वर्ल्ड का। प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं तो सबसे पुराना जो ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन था उसका नाम क्या है? बोगुसकोई का इंस्क्रिप्शन, बोगुसकोई अभिलेख। किस लिपि के अंदर है? क्रोस्ट लिपि के अंदर। कब लिखा गया था? 1400 BC के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? ये घटना डेफिनेटली हुई थी तभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा क्या है? इतिहास है। आई होप आपको यहां तक सब कुछ समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, हमारे पास विदेशी सोर्सेज क्या क्या हैं? उनके बारे में भी जानेंगे हम। बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, आज की ये क्लास रहेगी आपकी बेसिक रहेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास रहेगी ये आपके लिए बेसिक रहेगी। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं हमारे पास जो गैर धार्मिक स्रोत के अंदर आते हैं। कालिदास जो चंद्रगुप्त द्वितीय का नवरत्न होता था उसकी पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम। विष्णुदत्त की यहां पंचतंत्र, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास। अब हम तीसरे नंबर पर बात करेंगे, हमने बात कर ली है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी कि जो हमारे पास पुरातात्विक सोर्सेज थे, जैसे अभिलेख, स्मारक हमने बात की, सिक्के की बात की, मूर्तियों की बात की, फिर हमने बात की जो ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन था, ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑन ऑफ पैरे बच्चों आपका वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड का सबसे
जो पुराना अभिलेख था उसके बारे में हमने पढ़ लिया, बोगोजकोई का अभिलेख। लिटरेचर सोर्सेज के बारे में हमने जान लिया, साहित्यिक स्रोत जैसे जिसमें हमने देखे थे रिलीजियस सोर्सेज, रामायण महाभारत हमने देखा, वेदाज के बारे में पढ़ा, चारों वेदों के बारे में पढ़ा, नॉन रिलीजियस के बारे में हमने पढ़ा, गैर धार्मिक स्रोत के बारे में हमने पढ़ा है। जैसे हमने बात की थी चाणक्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, पतंजलि का महाभाष्य, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम, विष्णुदत्त के पंचतंत्र, बहुत सारे हैं। अब हम तीसरे नंबर पर बात करेंगे, हम बात करेंगे भारत के अंदर विदेशी यात्रियों का विवरण, डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरनर ट्रेवलर्स, यानी कि हम बात करेंगे भारत के अंदर आने वाले विदेशी यात्रियों के बारे में। तो हमारे पास तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे हमारे जो स्रोत होंगे भारत में आए विदेशी यात्री, ये भी हमारा क्या है, एक स्रोत है। हम बात करेंगे बहुत सारे चीन से चलकर के आए हैं इतिहासकार, जो यात्री आए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। गुप्त वंश चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पहले बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे, एग्जांपल लेंगे, गुप्त वंश चल रहा था, गुप्ता डायनेस्टी जिसकी शुरुआत 240 में हुई थी, श्री गुप्त के द्वारा की गई थी। प्यारे बच्चों इसी वंश का एक राजा था जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, और इसी के समय एक चीनी यात्री आया था प्यारे बच्चों जिसका नाम था फाहयान। क्या नाम था? फाहयान। इसने बुक लिखी थी एक, और जो हमारा क्या है विदेशी सोर्सेज है, फाकू की इसकी बुक का नाम था, फाकू की इसने बुक लिखी थी जिसमें हिंदुस्तान का वर्णन है, उस समय के राजा महाराजाओं का वर्णन है। किसके समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। डेट आपसे पूछ ली जाए बाद में पढ़ाई जाएगी, अभी बता देता हूं 399 में आया था, 399 ईस्वी के अंदर। एक और एग्जांपल लेते हैं हम दूसरा, जब पुष्यभूति वंश चल रहा था, यानी कि पुष्यभूति वंश, या हम बात करते हैं वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश, या फिर प्यारे बच्चों इस वंश का दूसरा नाम क्या रहेगा? वर्धन वंश। इसी के समय एक चीनी यात्री आया था, और राजा था इस समय रूल कर रहा था हर्ष, यानी कि राजा हर्षवर्धन, जो 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक शासन किया था। इसी के समय एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था वेंसवांग, यह भी विदेशी था, चीन से आया था। इसने ये बुक लिखी थी, पुस्तक का नाम क्या था? सीयू की, सीयू की। ये क्या है? फाकू की। ये क्या है? सीयू की। कंफ्यूज नहीं होना, फाकू की किसने लिखी है? फाहयान ने। सीयू की किसने लिखी है? वेंसवांग ने। वेंसवांग किसके समय आया था? राजा हर्षवर्धन के समय। कब आया था आपसे डेट पूछ ले? 629 ईस्वी में, ये लो। और जो वेंसवांग था इसकी दो राजधानियां हुआ करती थी, आप भली भांति जानते हैं, सबसे पहले स्थानेश्वर होती थी जो हरियाणा के वर्तमान के अंदर थानेसर के नाम से जानी जाती है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर पड़ती है। दूसरी राजधानी थी कनौज, और कनौज 8% के अंदर कहां पड़ता है? यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे विदेशी सोर्सेज हैं। इत्सिंग भी आया था चीन से, बहुत सारे और भी आए थे। इसके अलावा हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के समय, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। दिल्ली सल्तनत चल रही थी जिसका टाइम पीरियड था प्यारे बच्चों 1206 से लेकर के 1526 तक, और दिल्ली सल्तनत के समय एक वंश चल रहा था जिसका नाम था तुगलक वंश। तो तुगलक वंश चल रहा था, और तुगलक वंश का एक राजा था, पागल राजा था, जिसको बोला जाता है एजुकेटेड इडियट,
जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, इसी के समय एक यात्री आया था अफ्रीका के मार्को कॉन्टिनेंटल से, जिसका नाम था इबन बतूता। इस इबन बतूता, ये कहां से आया था? अफ्रीका से आया था, अफ्रीका के मार्को कॉन्टिनेंटल से, ठीक है। इसने किताब लिखी थी, बुक लिखी थी, जिसका नाम था रे हल्ला। और इसी पुस्तक का दूसरा नाम आपसे पूछ लिया जाए तो सफरनामा था। तो ये हमारे पास क्या है, ये विदेशी सोर्सेज है कि विदेशी लोग यहां पर आए थे, भ्रमण किया था। एग्जाम्पल लेते हैं, वेनस्वांगरे यहां पर 629 से लेकर के 34 तक बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। ये बात इसने अपनी किताब सीयूकी के अंदर लिखा था। फिर राजा हर्षवर्धन से मिला था, हरियाणा में टाइम व्यतीत किया था 634 से 44 तक, 10 साल तक राजा हर्षवर्धन के साथ रहा था। और इसी की बातों से फिर हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को अपना लेता है, क्योंकि बौद्ध धर्म का इसने हर्षवर्धन के समय खूब प्रचार प्रसार किया। सेटिस्फाई हुआ हर्षवर्धन, बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये विदेशी सोर्सेज हैं, और बहुत सारे सोर्सेज हैं। 500 यूरोपियन कंपनियां आई थी, वो क्या है, हमारे पास सोर्सेज है। 712 के अंदर सबसे पहले भारत के अंदर अरबी आक्रमण हुए थे, अरबों के हुए थे, मोहम्मद बिन कासिम ने किए थे, डेफिनेटली घटना हुई थी। इसके अलावा हम बात करते हैं दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल, बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, जो हमारे क्या है, इतिहास के सोर्सेज हैं। तो ये था प्यारे बच्चों आज की क्लास का बेसिक इतिहास के बारे में जो हम पढ़ चुके हैं। आई होप आप सभी को समझ आया होगा अच्छे से। जो भी बच्चे क्लास देखेंगे वो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। बिल्कुल बेसिक था, हमारे पास तीन पार्ट हैं, उन तीनों पार्टों को हम उठाएंगे और एक एक करके पढ़ते जाएंगे। सिलेबस के बारे में हमने डिस्कशन कर ली है कि कितने सारे चैप्टर रहेंगे, लेसन रहेंगे, एक वीडियो डाल रखी है, आप देख लेना। अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी स्पेशल पढ़ लेते हैं, आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि आपको डीपली पढ़ाया जाएगा, आपको YouTube पर बहुत सारे टीचर आपको पढ़ाते मिलेंगे फ्री में, लेकिन वो इतना कंटेंट नहीं देंगे आपको। वो कंटेंट आपको यहां पर पैर बच्चों मिलेगा, और कहां मिलेगा, एप्लीकेशन के अंदर। तो ठीक है पैर बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू पैर बच्चों, हैव ए नाइस डे। कमेंट सेशन करके जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू क्लास।